चैनल आई टीवी लाइव वेब न्यूज पर मैं हूं आपके साथ नवेद खान। पुलिस की नौकरी में एक स्टार्ड नजर आता है। पुलिस आपकी हमारी सुरक्षा करती है, क्रिमिनल्स को पकड़ती है, बदमाशों को पकड़ती है, उनसे हमारी हिफाजत करती है क्योंकि ये उनका काम होता है। लेकिन अफसोस कई लोग ऐसे हैं जिनको दोषी सिर्फ पुलिस और गलती सिर्फ पुलिस कर्मी की नजर आती है और अक्सर इसका खमियाजा किसी जांबाज बहादुर पुलिस कर्मी को सस्पेंड होने के रूप में देखने को मिलता है। ऐसा ही एक बिल्कुल ताजा मामला मेरठ से सामने आया जहां एक पुलिस कर्मी को बदनाम किया गया और जिसकी गलती सिर्फ ये थी कि वो अपने साथी दरोगा के साथ मिलकर कार में बैठकर चाप खा रहा था। आइए बताते हैं पूरा मामला। मामला कुछ इस तरह है कि मेरठ के जांबाज बहादुर सभ्य व्यवहार वाले एसएसआई वरुण शर्मा अपने साथी दरोगा के साथ भामाशाह पार्क के पास चाप की दुकान के सामने चाप खा रहे थे। उनकी जो गाड़ी थी वो पार्क के सामने पार्क थी। तभी दो दबंग खिलाड़ी वहां आए और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाड़ी हटाने को कहने लगे। वरुण शर्मा से बदतमीजी करते हुए उनके और उनके साथी दरोगा के साथ मारपीट। बात यहां नहीं रुकी, चप्पलों से पिटाई की गई वरुण शर्मा और उनके साथी दरोगा की। आपको बता दें वरुण शर्मा मेरठ के नौचंदी थाना में रहे, एसओजी में रहे, फलावदा में भी रहे, फिलहाल थाना परीक्षितगढ़ में पोस्टेड है। वरुण शर्मा ने कितने केसेस को सुलझाया है एसओजी में, और एसओजी में रहते अपनी जान पर खेल के कितने क्रिमिनल्स को पकड़ा है। अगर मैं आपको ये बताने लगूं तो ये बात बहुत बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। यहां एक बड़ा सवाल है कि खिलाड़ियों की दबंगाई किस कदर हावी है जब इनका व्यवहार एक पुलिस कर्मी के साथ मारपीट कर सकने का है हौसला है, तो फिर एक साधारण आदमी के साथ इनका क्या व्यवहार होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। या आपको बता दें आए दिन इस क्षेत्र में ऐसे दबंग खिलाड़ियों का जमावड़ा रहता है। शाम को गुजरिए, देखिए वहां पे क्या माहौल होता है खिलाड़ियों का। लेकिन वरुण शर्मा और उनके साथी ने खुद का बचाव किया तो उसको बताया गया कि पुलिस ने मारपीट की और आरोप लगा दिया कि वरुण शर्मा ने शराब पी हुई। हालांकि मेडिकल हुआ तो उसमें साफ हो गया कि उस वक्त वरुण शर्मा ने शराब पी ही नहीं। बात यहां नहीं थमी। इसके बाद खिलाड़ियों का एक पूरा झुंड थाने पहुंचकर हंगामा करने लगा, आरोप लगा दिया कि खिलाड़ियों को पुलिस जबरदस्ती उठाकर लाई है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने सारी असलियत बता दी। असल में वरुण शर्मा पर लगाए गए सारे आरोपों की सच्चाई ये फुटेज है जिसमें खिलाड़ियों की दबंगाई साफ तौर पर नजर आती है। बड़ा सवाल है कि ऐसे कोई भी किसी ईमानदार पुलिस कर्मी को बदनाम कर सकता है। हालांकि एसएसपी मेरठ रोहित राजवान ने तुरंत संज्ञान लेते हुए वरुण शर्मा के व्यवहार की तारीफ की है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या रणजी खेलने वालों को लाइसेंस मिल जाता है कि किसी के भी साथ वो बदतमीजी करें और खासतौर पर पुलिस कर्मी के चप्पलों से पिटाई करें, यह बड़ा सवाल है। थाना सिविल लाइन के अंदर का जो विक्टोरिया पार्क है उसमें एक गेट के सामने दो पुलिसकर्मी जो ड्यूटी पे नहीं थे और सादे कपड़ों में थे वहाँ कुछ खा रहे थे और उनकी गाड़ी गेट के सामने पार्क थी। इतने में जो और वहाँ पे खिलाड़ी भी प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ रहते भी हैं वो अपनी स्कूटी से आ रहे थे। इसी दौरान अंदर जाने को लेकर उनका वहाँ पर वाद विवाद हुआ और पुलिस ने जो सीसीटीवी देखी उसमें जो खिलाड़ी हैं उनके द्वारा पुलिसकर्मियों से पहले मारपीट की गई, फिर उसमें बीच बचाव भी किया गया और बहुत 15-20 सेकंड का ये मामला था। उसके बाद दोनों पक्ष थाने पर आए थे और थाने पे दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से इनकार किया है और इसमें मेरे द्वारा जो पुलिसकर्मी थे उनके व्यवहार को लेकर उसमें उनको निलंबित भी किया गया था जिसमें एक प्रारंभिक जाँच का आदेश किया गया। उसमें एक प्रारंभिक जाँच है वो अभी चल रही है।